जबलपुर संजीवनी नगर में रहने वाली एक युवती ने स्थानीय थाने में एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप और धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कराया है। बताया जाता है कि संजीवनी नगर में पीड़ित युवती रहती है और उसका अपने पति के तलाक का केस चल रहा है। पीड़िता ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग करती थी। 3 साल पहले पीड़िता की मुलाकात पिसनहारी मढ़िया के पास रहने वाले राजीव जैन से हुई थी। राजीव मूलतः अशोकनगर गुना का रहने वाला है। मुलाकात होने के बाद राजीव जैन से उसकी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आरोपी राजीव जैन पहले से शादीशुदा था, यह बात उसने पीड़िता से छिपा रखी थी। आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाकर युवती को शादी का प्रलोभन दिया और उसके साथ पिछले 3 साल से शहर के अलग अलग होटलों में ले जाकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था। बीते दिनों पीड़िता ने आरोपी राजीव जैन से शादी की बात की तो वह उसके साथ टालमटोल करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता को बाद में पता चला कि आरोपी राजीव जैन पहले से शादीशुदा है और वह उसे झांसा दे रहा है। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ संजीवनी नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। 376 का मामला कायम हुआ है। कौन अपराधी है, कहाँ का रहने वाला और क्या नाम है? कल रात को थाना संजीवनी नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि लगभग 4 साल से उसके एक परिचित ने शादी का झांसा देकर के शारीरिक शोषण किया है, जिसकी रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो आरोपी है वो गुना या अशोकनगर के आसपास का रहने वाला है। प्रार्थिया जो सिंगिंग करती है तो इसकी मंदिर में एक ऑर्केस्ट्रा में गाने के दौरान इसकी मुलाकात हुई थी और तब से 4 साल से जान पहचान थी इसकी, तो मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया इसमें। ये आरोपी जो है इसका नाम क्या है? नाम इसका राजीव जैन है और अशोकनगर या गुना के आसपास का रहने वाला। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।